पवन सिंह के करीबी विशाल सिंह ने खेसारी लाल यादव के यूट्यूबर की निकाल दी हेकड़ी, जोड़ने लगा हाथ, मांग ली माफी और पवन सिंह को बताया सबसे बड़ा सुपरस्टार। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि किशन जी, ये आप क्या कह रहे हो, आखिर खेसारी लाल यादव के यूट्यूबर इतना कैसे बदल गए और इस तरह से खेसारी लाल यादव की तारीफ छोड़ करके पवन सिंह की तारीफ कैसे करने लगे। तो आपको पूरी बात बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, इस तस्वीर में जो शख्स टोपी पहने हुए दिख रहा है उसका नाम महेश पांडे है, पीछे जो शख्स है वो विशाल सिंह है। जी हाँ, वही विशाल सिंह जो पवन सिंह के करीब रहते हैं, पवन सिंह जिन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं। ये वही महेश पांडे हैं जो लगातार पवन सिंह को टारगेट किया करते थे भाई साहब, और ये महेश पांडे इन दिनों पवन सिंह के गुणगान करते फिर रहा है। आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह को कभी ये भी बोल दिया था कि ये चार बीवियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, पता नहीं और क्या क्या करेंगे, भोजपुरी के गोबर सिंह, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन पता नहीं विशाल सिंह ने कौन सी ऐसी युक्ति लगाई है, कौन सी ऐसी व्यवस्था की है कि इस आदमी के सुर बदल गए हैं। भाई, ये तो पवन सिंह को सबसे बड़ा सुपर स्टार मानने लगा है। और आपको बता दें कि एक वीडियो चारों तरफ वायरल हो रही है जिस विशाल सिंह और महेश पांडे दिख रहे हैं, महेश पांडे माफ़ी मांगता फिर रहा है और कई बार सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, जितने भी लोग मुझसे हर्ट हुए हैं उन सबसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसने माफ़ी मांग ली। और विशाल सिंह ने जब कहा कि बताओ भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपर स्टार कौन है, सबसे बड़ा किंग कौन है, तो इसने कहा कि पावर स्टार पवन सिंह। सुर ही बदल गए भाई साहब। खेसारी लाल यादव का कल तक जो गुणगान करता था, जो खेसारी लाल यादव के वीडियो बनाने की वजह से पवन सिंह के लिए कई बार उल्टे सीधे शब्द भी बोल दिया करता था, जो कि पवन सिंह के फैंस को हरगिज गंवारा नहीं, बर्दाश्त नहीं होता था और वो लोग इसे पवन सिंह का दुश्मन ही मानते थे। तो अब इस आदमी के सुर बदल गए हैं और ये पवन सिंह को सबसे बड़ा सुपर स्टार मानने लगा है। कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव के टीम के विवेक सिंह को विशाल सिंह ने औकात बता दी थी और उसने भी माफ़ी मांगी थी। अब महेश पांडे माफ़ी मांग रहा है। इसने खेसारी लाल यादव की वजह से कई बार पवन सिंह के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए थे जिसको कोई भी सुनेगा तो कहेगा कि भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। पर्सनल कमेंट्स, पारिवारिक कमेंट्स और भी न जाने क्या क्या। अब देखना यह है कि विशाल सिंह आखिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला आजमा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के तरफ से पवन सिंह को भला बुरा कहने वाले लोग लगातार माफ़ी मांग रहे हैं और अपनी औकात खुद ही बता रहे हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं। आगे क्या कुछ होने वाला है ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन पता नहीं विशाल सिंह के इस उपाय से इस आदमी पर क्या कुछ फर्क पड़ा है कि इसके सुर ही बदल गए हैं। अब देखना ये है कि अगला टारगेट कौन है और अगला सुर किसका बदलने वाला है। अब खेसारी लाल यादव की टीम में कौन बचा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं, जिनका सुर बदलना बाकी है। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे और बताएंगे कुछ और। फिलहाल ये नई अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।